आप सबको जय गिरनारी और हर हर महादेव। आज मैं आपको गिरनार में आया हुआ सुप्रसिद्ध जटाशंकर महादेव की बात करने जा रहा हूँ। नमन हो गरवा गिरनार ने आ पत्थरे पत्थर प्राणवंतो। कुदरत का करिश्मा देखना हो और आकाश से बातों करने वाला गगन विहारी गिरनार की यात्रा करने के लिए एक बार आ जाओ। यहां बहुत सारे तीर्थ है, अलौकिक दृश्य है, शिल्प खचित जैन मंदिर है। गिरनार में जटाशंकर महादेव विराजमान है। जटाशंकर महादेव का दूसरा नाम है गंगेश्वर नाम। गिरनार में गंगा तो बहती है, इसलिए गंगेश्वर महादेव। जटाशंकर महादेव की लिंग पर स्वयंभू पानी बहता रहता है। बारिश के मौसम में पानी बढ़ जाता है। जटाशंकर महादेव 4x4 की गुफा में स्थापित है। उसके ऊपर सालुक पहले मंदिर बनाया गया है। जटाशंकर महादेव दर्शन करने जाने वाले भक्त जनों को बारिश की मौसम में बीच बीच में रास्ते में झरना के नाद से सुनमुन आदमी को भी डोलने का मन हो जाता है। इतना रमणीय मनोहर रास्ता है। छुट्टी के दिनों में बहुत लोग यहाँ दर्शन और प्रकृति की नजदीक रहने के लिए जाते हैं। जटाशंकर महादेव की जगह में यहाँ के पवित्र प्रखर योगनिष्ठ पूज्य भगवान दास जी बापू की चरण पादुका प्रस्थापित है। यहाँ का धुना बड़ा पवित्र और सिर पर उसकी खाक लगाने लायक है। पूज्य भगवान दास बापू यहाँ 1880 से 1923 तक आसपास के समय में बसते थे। ये बड़े हिम्मतवान और अजीब गजब के साधु थे। हिंसक प्राणी से भी डरते नहीं थे और गिरनार में रात्रि में डमरू के नाद करते करते फिरते रहते थे। यह भगवान दास बापू के बारे में यूरोपियन पत्रकार बीजी हॉर्नीमैन ने गिरनार एंड इट्स केव ड्वेलर्स नामक एक बड़ा रोचक लेख लिखकर पाश्चात्य दुनिया को अचंभित कर दिया था। यहां पूज्य भगवान दास जी बापू के प्रखर शिष्य ब्रह्मनिष्ठ रामानंद जी हुए, जो पूर्व जन्म में फौजदार रहे थे और वे घर छोड़कर जटाशंकर में पूज्य भगवान दास बापू के चरणों में आ गए थे। उसने हनुमान स्वरूप की गुफा, जांबुड़ी गुफा और सातपुड़ा की गुफा में बैठकर साधना की थी। यह रामानंद बापू की मेहनत से गिरनार पर जटाशंकरी धर्मशाला बनाई गई थी। जब तक गिरनार पर यह धर्मशाला नहीं बनेगी, तब तक उसने अन्न लेना छोड़ दिया और सिर्फ फलाहार करते थे। यह धर्मशाला का उद्घाटन 19 अप्रैल 1949 के दिन ख्रिस्ती अधिकारी मिस्टर सिकवेरा के कर कमलों से किया गया था। जटाशंकर महादेव के परिसर में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बनाया गया है। माताजी की मूर्ति कुदरती स्वरूप की है। यह मंदिर के गवाक्षों में 10 महाविद्या स्थापित की गई है। यह 10 महाविद्या का शायद गुजरात का प्रथम मंदिर होगा। जटाशंकर महादेव के परिसर में ही गायत्री माता और भैरव का स्थानक है। यहाँ के महंत श्री शांतानंद जी ने कमल पूजा करके अपना मस्तक धुनी में अर्पण किया था। ऐसी लोगों में बात चल रही है। यह घटना सवंत 2016 पोष वदी सोमवार के दिन बनी थी। आपको अब मैं 10 महाविद्या में कौन कौन विद्या है उसका नाम बता दूं। महाकाली, तारा, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्मस्ता, भैरवी, घुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। जटाशंकर महादेव की जगह में श्रावण मास में सब यात्रिकों को शुद्ध घी का
लड्डू का भोजन कराया जाता है और गिरनार की परिक्रमा और शिवरात्रि के मेले में भोजन और चाय पानी की व्यवस्था होती है। यह है काठियावाड़, यहाँ भोजन कराने का बड़ा महात्म्य रहा है। आपको जटाशंकर महादेव की बात मैंने सुनाई और महादेव का दर्शन करवाया, और अब विदा लेते वक्त कुछ सुना दूं। सौरठनी संपत गिरिवर ए गिरनार, वंदन हजो हजार पृथ्वी ने पगथार। आखंडियरो कई काल जूना, आजे पड़िया ए पण साव जूना। आछे सौराष्ट्र, आछे सौरठ, आछे काठियावाड़, आछे सौरठनी अने गिरनारनी भक्ति धारा अने गिरनारना प्रख्यात तीर्थ स्थलों। गिरनारना प्रख्यात तीर्थ स्थलों विषे जानवा माटे आ चैनलनी मुलाकात आप लेता रहो।